जैसा कि आप जान रहे हैं, बिरमू विधानसभा से विधायक पद के लिए सभी पार्टियों की तरफ से ताबड़तोड़ तैयारी और दौरे किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में कांग्रेस भी पीछे नहीं। जरीडीह प्रखंड के तांत्री दक्षिणी पंचायत में बिरमू प्रत्याशी कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह के पक्ष में मंडूर विधायक सह पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की जोरदार सभा की। ग्रामीणों ने और कार्यकर्ताओं को अनूप सिंह को विधायक के पद में जुटाकर बिरमू का विकास करने की अपील भी की गई और किसी के बहकावे में जनता न आए ऐसी बात कही थी। जरीडी तहसील रिपोर्ट अश्रवण कुमार। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, एचपीएन न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जरीडी प्रखंड के तुटकाड़ी क्षेत्र में हैं, जहां पर आपको हमारे स्क्रीन में दिख रहा होगा कि हमारे पीछे एक सभा चल रही है। इस सभा में झारखंड के मंत्री रह चुके बंधु तिर्की जी आए हुए हैं, जो इस सभा को संबोधित कर रहे हैं, और अभी मौजूदा समय में ये मंदार के विधायक हैं और यहाँ जो सभा चल रही है ये आए हुए हैं, संबोधित कर रहे हैं और यहाँ के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और बिरमू विधानसभा को कैसे विकासशील और विकास की राह पर ले जा सकते हैं इसके ऊपर प्रचार और परिचर्चा चल रही है। इसी पर हम लोग बातचीत करेंगे और हम लोग जानेंगे कि आज जो यहाँ बैठक हुई है, इस बैठक में क्या क्या बात ग्रामीणों को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के स्थायी लोगों को दी जा रही है, किस तरह की तैयारी कांग्रेस की तरफ से कुमार जयमंगल सिंह जी को जिताने के लिए, बिरमू विधानसभा की सीट को कुमार जयमंगल सिंह को देने के लिए किस तरह की तैयारी चल रही है, इसकी बारे में हम बातचीत करेंगे। अभी हम लोग कुछ ही देर में बंधु तिर्की जी से बात करेंगे। नहीं समझा, जैसा कि अब आप हमारे स्क्रीन में देख रहे होंगे कि हमारे सामने विधायक जो है मंदिर के, वो बंधु तिर्की जी हमारे साथ में हैं और सभाएं कर रहे हैं, ग्रामीणों से, क्षेत्र लोगों से मिलजुल रहे हैं और बिरमू को कैसे विकासशील बना सकता है, कैसे इसको तरक्की की राह पर ले जा सकता है, इसके ऊपर चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। हम इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्षेत्र में इनको किस तरह की समस्या झेलनी पड़ रही है और विपक्ष के द्वारा जो आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है उसके ऊपर इनका क्या कहना है। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है और ऐसे भी स्वर्गीय राजेंद्र बाबू काफ़ी लोकप्रिय नेता थे और आम लोगों के दिल में उनका प्रति सम्मान है। इन लोग का जमानत जब्त हो जाएगा, जिस तरह से लोग यहाँ पर करें, इसलिए खिसियाले बिल्ली खंभा नोचने वाला काम करेंगे। आरोप लगाने से इनका काम ही रहता है, झूठ बोलना, आरोप लगाना, ये इनका डीएनए में ही है। ये लोग है भाजपाइयों को के पास में बाकी कुछ नहीं है, झूठ बोलना, आरोप लगाना, फालतू की बात बोलना, बस यही है। बाकी इन लोगों को राज के बारे चिंता नहीं है, बता देगा इस राज की जनता। एक तो चुप बता दिया, 2019 का चुनाव में इनको बता दिया, उपचुनाव में ये लोग इसको पता चल जाएगा। फिजूल की बातें, फालतू की बातें बोल करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। वो राज्य की जनता भाजपा का सारी चीज़ों को पहचान चुका है, इसलिए इनके झांसे में कभी नहीं आने वाले हैं। तो सर हमें ये जानकारी दीजिए कि सर आम जनता के लिए आपके क्या संदेश है सर? अभी ये है कि देखिए, भाजपा का झांसा में ना आए, उनको पूछे कि 15 लाख कब मिलेगा, उनको पूछा जाए कि 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी कब मिलेगा, इसी का जवाब दे देना। तो वो लोग झूठ का, तो वो लोग उनके पास में झूठ का तो एक खजाना है उनके पास में, तो इसलिए यही बात पूछे उनको। तो मैं जनता को यही करूँगा, संदेश दूंगा कि सारे लोग इनके झांसा में, भाजपा के झांसा में नहीं आए। राज को पूरा वो लोग गर्त में डाल दिया है, पूरा वित्तीय आर्थिक चरमरा दिया है, पूरा लूट लिया पूरा राज को, जिस तरह से उनके द्वारा जो राशि का दुरुपयोग हुआ अभी आप देख रहे हैं, पूरा 74,000 करोड़ कोयला का रॉयल्टी देना बाकी है और डीएबी का आपका डीबीसी का पैसा में जिस तरह से उनका किया गया, राज का स्थिति को कर दिया गया पूरा। इसीलिए लोगों को हम कहेंगे कि भाई राजेंद्र बाबू बहुत ही लोकप्रिय और सरल और सबसे मिलनसार लीडर थे, नेता थे, इसलिए उनके बेटा, उनका अनूप जी को, उनका जयमंगल सिंह जो को उनका टिकट मिला है, सारे लोग मिल करके आपसी मतभेद को भुला करके उसको भारी से भारी मतों से विजय बनाए और भाजपा का जमानत जब्त कराए। लोकल और बाहरी के नारा लगाने वाले से आप सवाल पूछिए कि आप भी 2 साल 2 बार विधायक बने, आप लोकल के लिए क्या किए? आप लोकल भी हैं और यहाँ के विस्थापित भी हैं, विस्थापित के लिए क्या किए? आज बोकारो स्टील सिटी में विस्थापित का रीपेमेंट का मामला लटका हुआ है, उसके लिए क्या किए?
आप एक लिमिट समय के लिए नौकरी दिए और अनलिमिट समय के लिए लोगों का जमीन घर द्वार अधिग्रहण कर लिए, उसके बाल बच्चे के लिए क्या किए? जो फैसिलिटी इंदिरा गांधी और इमामुल हाय खान के समय में जो लागू हुआ था, जो वार्तालाप हुई थी, उसको रद्द क्यों किए? आज हॉस्पिटल का फैसिलिटी नहीं लोगों का, आज गरीब गुरबा जितने लोग रिटायर कर रहे हैं उसके बाद वो कहाँ जाएंगे, उसके बाल बच्चा क्या करेंगे? या तो भूखे मरेंगे, या तो दो नंबर का काम करेंगे, या चोरू चक्का बनेंगे। इसी यही कारण के लिए आपको हमने विधायक बनाया था। बाहरी का नारा देने वाले हमारे लोकल भाइयों को, विस्थापित भाइयों को ठगने का काम कर रहे हैं। लोकल बाटू ले क्यों, लोकल लालचंद महतो क्यों नहीं? यही क्वेश्चन के साथ बेरमो की जनता उनसे जानना चाहती है कि इस नारा को बंद करें। जैसा कि अभी आपने देखा कि पूरे विधानसभा में एक सवाल जो निकल कर बाहर आ रही है कि लोकल और बाहरी की जो राजनीति लोग कर रहे हैं उसका एक बहुत ही पुख्ता जवाब मिला है गिरेंद्र मिश्रा जी की तरफ से कि लोकल बाहरी की राजनीति करना बंद करें, और अगर लोकल बाहरी की राजनीति करनी है तो इन सारे बातों का जवाब दें। और भी सारी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल साथ बने रहिए। मैं श्रवण कुमार कैमरामैन कंदन के साथ में, धन्यवाद। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।